तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल दीपांकर गौरव वाली जो है केस की सुनवाई होनी थी और कल उसकी सुनवाई अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में हुई। हालांकि सुनवाई के बाद में फिर जो है जो ऑर्डर आया, जो फैसला आया, वो ऑर्डर कहीं ना कहीं बीएड के छात्रों को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएड के छात्र थे उन लोगों को उम्मीद थी दीपांकर गौरव वाली केस से कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो ये कह दे कि ये जो फैसला है वो 11 अगस्त से ही लागू होगा और जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई भी रोक और उनसे बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है एक बहुत तगड़ा सा झटका लगा। तो फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में भी उस सुनवाई के बारे में अपडेट दिया गया है, विस्तार से चीजों को बताया गया है, तो उनको हम लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या-क्या अपडेट दिया गया है। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपको चाहिए इसी प्रकार की अपडेट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फिलहाल यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर आज के न्यूज़पेपर में अपडेट क्या आई है। इसमें लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं है। बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। इससे राज्य के 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है। तो कुल मिलाकर यहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं कि जो भी यहां पर कहने का मतलब इनका सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का यह तात्पर्य है कि जो लोग पहले नियुक्त कर चुके हैं, 11 अगस्त 2023 के पहले जो लोग नियुक्त कर चुके हैं उन लोगों को कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 11 अगस्त 2023 के बाद उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है यहां पर बता दिया है। तो इससे जो बीएड के छात्र हैं उनको एक तगड़ा झटका लगा है, यानी बिहार शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र उम्मीद लगाए हुए थे कि नहीं हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश हमारे पक्ष में फैसला दे दे, कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान होता यहां पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब इनका सिर्फ एक ही रास्ता और वो है अध्यादेश। सरकार अगर अध्यादेश लाएगी तभी ये बीएड के साथ बच सकते हैं, नहीं तो फिर वो लोग प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है। ये यहां पर अनिरुद्ध बोस जी की बेंच से बिल्कुल ही साफ हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप लोगों ने विस्तार से देख लिया होगा, यहां भी आप देख सकते हैं लगभग हर एक न्यूज़पेपर में, खासतौर पर बिहार के जितने भी न्यूज़पेपर हैं पटना में, उन सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बात जो है उठाई गई प्रमुखता से, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है तो सबसे ज्यादा प्रभावित लड़के बिहार के हुए हैं, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन किया था वो लोग सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। तो ये आप अपडेट देख सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है कि बीएड छात्रों के साथ जो है बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ है, हम इस चीज को मान सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए था कि इसमें बीएड छात्रों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेन गलती भारत सरकार की और कहीं ना कहीं एनसीटी की इसमें गलती है। और कहीं ना कहीं जो बीएड के छात्र हैं अब उनके आगे कुछ दिख नहीं रहा है। उन लोगों ने टाइम खर्च किया, पढ़ाई की, खूब अच्छे तरीके से तैयारी किया, नंबर लाए, बीएड पास हुए, सीटेट पास हुए, जो भी है पास किए, बिहार शिक्षक भर्ती में अच्छे से तैयारी करके पेपर दिए, उसमें भी कट ऑफ से ज्यादा उनके अंक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।